हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट समझ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर इस महीने की लास्ट सेल स्टार्ट हो चुकी है। फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सेल आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक सेल के अंदर आपको क्या कुछ बैंक ऑफर देखने को मिल रहा है, कितना प्रीपेड ऑफर देखने को मिल रहा है और ओवरऑल ये सेल कैसी रहने वाली है और इस सेल के दौरान आपको क्या क्या परचेस करना चाहिए, क्या परचेस नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आने वाली नई नई सेल, डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट पर। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सेल स्मार्टफोन के अलावा टीवी अप्लायंसेस वगैरह सारे स्मार्टफोन पर आती है। और सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन सेक्शन पर और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो स्मार्टफोन सेक्शन पर आते ही देखते सबसे पहले आप सेल की डेट देख सकते हैं। 24 तारीख से 31 तारीख तक ये सेल चलने वाली है, यानी लगभग 7 से 8 दिन की ये सेल रहने वाली है। काफ़ी लंबी सेल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफर की बात करें तो इस बार आपको फेडरल बैंक और HSBC बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी पॉपुलर बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI वगैरह। तो फेडरल बैंक के कार्ड काफ़ी कम लोगों के पास में अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड ऑफर लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ डील्स के ऊपर प्रीपेड डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जहां पर आप किसी और बैंक के कार्ड से भी पेमेंट करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उन डील के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहां पर स्मार्टफोन सेक्शन पर अपन आ चुके हैं और एक दो स्मार्टफोन डील में आपको बता देता हूं, उसके बाद में अपन बाकी और कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको iPhone 14 परचेस करना है तो 66,999 रुपीज, यानी कि 67,000 के अराउंड मिल रहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यह 70,000 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन iPhone अगर आपको लेना है तो इस सेल के दौरान आप मत लीजिए, क्योंकि यहां पर कोई ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, बैंक ऑफर भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आप दूसरी सेल के अंदर आईफोन परचेस करते हैं और अच्छा ऑफर नहीं होता है तो भी आपको 2-3 हजार रुपए का बैंक ऑफर मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों इस सेल के दौरान आप इसे अवॉइड करिएगा। एक डील है दोस्तों जो आप परचेस कर सकते हैं, यहां पर अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रियलमी की तरफ से रियलमी GT न्यू 3T। ये स्मार्टफोन दोस्तों 24,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अभी आपको मिल रहा है और इसके ऊपर प्रीपेड ऑफर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। 29,999 रुपए की प्राइस है यहाँ पर। करंट प्राइस की हम बात करें तो 29,999 रुपए प्राइस है 6GB 128GB वाले वेरिएंट के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आप डिस्काउंट देखेंगे तो 5,000 रुपए का आपको प्रीपेड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 25,000 के आसपास तो ये आ चुका है। इसके अलावा अगर आपके पास में फेडरल बैंक का कार्ड है तो अच्छी बात है, 750 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। फेडरल बैंक का कार्ड नहीं है तो भी आप कम से कम 5,000 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर ले पाएंगे, ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा एक और स्मार्टफोन दोस्तों मोटरोला का Edge 30। ये स्मार्टफोन दोस्तों नॉर्मली 27-28 हजार रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, अभी आपका इसका प्राइस कम कर दिया गया है, 23,000 रुपए की प्राइस में ये मिल रहा है। बैंक ऑफर यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं है, फेडरल बैंक के कार्ड पे 750 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस पॉइंट इसका काफी अच्छा है तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन की काफी सारी डील्स में चेक कर चुका हूँ, ज्यादा कोई खास ऑफर स्मार्टफोन के ऊपर है नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लैपटॉप वगैरह परचेस करना है तो लैपटॉप पर हम बात करें तो Redmi Book Pro Core 5 11 जनरेशन के ऊपर आपको अच्छी डील मिल रही है, 37,990 रुपए में मिल रहा है। जनरली ये 40,000 के आसपास चलता है, 39,000-40,000 के आसपास, तो इस पर ठीक ठाक ऑफर है। और सबसे अच्छे ऑफर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिल रहा है HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप पर, जो कि Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है और ये दोस्तों नॉर्मली 60,000 रुपए के आसपास चलता है। और अभी कुछ टाइम से अगर हम पिछले बिग सेविंग डे सेल की बात करें तो उसके बाद में भी इसका प्राइस एक बार बढ़ गया था, लेकिन आज वापस से ही अच्छे ऑफर के अंदर आ चुका है। और यहाँ पर इसका प्राइस आप देखेंगे 49,990, यानी 50,000 रुपए से नीचे की प्राइस रेंज में मिल रहा है। इसके अलावा आपको 1,250 का डिस्काउंट फेडरल बैंक के कार्ड पर मिल जाएगा, तो आप इसको 48,740 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छा लैपटॉप है, मैंने महीने भर पहले इसको परचेस किया था इसी प्राइस पॉइंट पर। इसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब सर्दियां खत्म होने वाली है, गर्मियों का मौसम आ रहा है और अगर आप परचेस करने का बान बना रहे हैं कूलर AC वगैरह तो ये चीजें आप अभी परचेस मत कीजिएगा। फरवरी के महीने में स्पेशल फ्लिपकार्ट की कूलिंग डे सेल आने वाली है, उसके अंदर आपको काफी अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो AC रेफ्रिजरेटर फ्रिज फैंस वगैरह आपको परचेस करना है तो अभी आप रुकिएगा, काफी अच्छी अच्छी डील आने वाली है और काफी अच्छे अच्छे ऑफर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बड़ा गैजेट आपको इस सेल के दौरान परचेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।